नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहर के विकास के लिए भाजपा ने लिए सुझाव। भाजपा के नगरीय निकाय चुनाव संकल्प पत्र सुझाव हेतु अहम बैठक का आयोजन छतरपुर में हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश संचालन समिति के सदस्य विनोद यादव उपस्थित हुए। अध्यक्षता सुधीर अवस्थी सेवा जिला सत्र न्यायाधीश ने करी। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष मलकान सिंह, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी जयराम चतुर्वेदी, सह प्रभारी सुरेंद्र चौरसिया, भाजपा के युवा नेता परमानंद कुशवाहा काजू विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में शहर के वरिष्ठ जनों, प्रबुद्ध जनों, चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तु चित्रकार, वकील, सीए, पर्यावरणविद, प्राध्यापक, व्यापारी, उद्योगपति, पथ विक्रेता संघ के पदाधिकारी, कामकाजी महिलाएं, कॉलेज की छात्र छात्राएं, रहवासी संघ के पदाधिकारी, ऑटो चालक संघ के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने अपने सुझाव दिए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि छतरपुर नगर के चारों तरफ फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष मलकान सिंह ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सभी भाजपा पदाधिकारी निरंतर प्रयासरत हैं। जयराम चतुर्वेदी ने कहा कि हमने वार्ड नंबर 38 से श्रीराम जानकी तलैया की सफाई का मुद्दा उठाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये पठापुर रोड की तलैया का मुद्दा भाजपा कार्यकर्ता काजू कुशवाहा की अगवानी में उठाया गया था, जिसके बाद शहर के सभी सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों ने भी आगे आकर तलैया की सफाई के लिए आवाज उठाई। इसके बाद हरिप्रकाश अग्रवाल, नीरज सोनी, पवन अवस्थी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। जिला छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। बहुत से ऐसे सुझाव निकले हैं जो छतरपुर के भविष्य के लिए बहुत अच्छे होंगे, उनको हम 2026 के संकल्प पत्र में डालेंगे और उन सारे सुझावों पर अमल करेंगे। सुझाव ऐसे हैं जैसे तालाब हैं आपके यहाँ, वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, या उनके जो पानी जा रहा है नालियों का गंदा, वहाँ फिल्टर प्लांट लगा करके हम उसको ठीक करें। एक सुझाव ये भी आया कि जलावर्धन का जो आ रही है पानी उसी से लेना है या नदियों से लेना है, तो बहुत सारे सुझाव आए हैं।